तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप तुम लोग ठीक होगी। तो पुष्पा का टीजर तुम सभी लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो पहले जाके तुरंत देख के आओ। तो पुष्पा का भौकाल अभी देखो, शेर को भी वो देखकर ऐसे तरेर देता है, अपन झुकेगा नहीं। तो शेर भी उसको देखकर 2 कदम पीछे चल जाता है। पुष्पा का भौकाल इस तरीके का है। लेकिन एक और बात मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि पुष्पा जो है वो तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, लेकिन इसका जो क्रेज है ये हिंदी ऑडियंस में ज्यादा है या तेलुगु ऑडियंस में ज्यादा है? तो मैं बता दूं कि पुष्पा को चाहने वाली हिंदी ऑडियंस में ज्यादा है। कि देखो, इस टीजर एक ट्रेलर कोई भी चीज तुम बोल लो, इसको जो है अभी मैं जिस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसको रिलीज हुई इस वीडियो के 5 घंटे हो चुके हैं। वहीं 5 घंटे हिंदी ऑडियंस में इसको 6 मिलियन के लोग देख चुके हैं और लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग इसको लाइक करते हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तेलुगु इंडस्ट्री में इसको 7 मिलियन तक के लोग देखे हैं, लेकिन लाइक केवल 4 लाख लोगों ने किया हुआ है। तो सोच सकते हो कि पुष्पा का जो है मतलब अपने अल्लू अर्जुन सर का क्रेज हिंदी ऑडियंस में कितना है, कितना लोग इनको पसंद करते हैं हिंदी ऑडियंस में। तो इस बात को भाई मैं जब देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील हुआ कि हम लोगों में भी इनका क्रेज बहुत ज़्यादा। मैं तो इनका फैन बहुत पहले से हूँ, 2014 से इनकी फिल्में देखते आया हूँ। तो फिर अपन एकदम ट्रू लव है इनसे। तो चलो फिलहाल अभी बात करते हैं पुष्पा मूवी के बारे में, मतलब इसके टीजर के बारे में। तो जब ये देखा जाता है कि पुष्पा को बजरंग सम्राट गोलियां लग चुकी हैं, ये जंगल से जेल से फरार है, जंगल में जाके रह रहा है। फिर नाइट विजन कैमरे में जिसमें टाइगर को डिटेक्ट किया जाता है, तो फिर वहाँ पर हमें देखने को मिलता है पुष्पा। पुष्पा वहाँ जब देखता है शेर, जब 2 कदम पीछे जाता है तो पुष्पा शेर को देख के बोलता है, भाई झुकेगा नहीं या फैन। तो शेर नीचे देखता है, हाँ जा बेटा। तो और फिर इसमें पुष्पा द रूल, उसमें अभी पुष्पा जो है लमसम ये अपने रॉकी भाई से भी 4 कदम आगे जा चुका है, जो कि भाई इंटरनेशनल गेम खेल रहा है और ये लोगों की मदद भी कर रहा है, लोगों का मसीहा बन चुका है। लेकिन ये गलत काम करते हुए लोग इसको प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, एक फैमिली में जो लोग होते हैं उनका मतलब फैमिली में कोई भी कितना भी बुरा हो, लेकिन फैमिली उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पुष्पा का भी वो लागू होता है, उसके ऊपर लोगों की मदद करता है तो लोग उसको एक फैमिली की तरह मानते हैं कि ये जो पुष्पा जो है वो अपनी फैमिली में ही आता है, तो फिर हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि इसने हमारी मदद की है, ये एक फैमिली की तरह है। तो उसी तरीके से लोगों ने दंगा किया हुआ है, पुष्पा 1 महीने से गायब है। और फिर क्या होता है कि दंगा अभी भी 1 महीने तक चल रहा होता है। फिर बाद में एक वीडियो क्लिप मिलती है जिससे पता चलता है कि पुष्पा जिंदा है। तो चलो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो फिर यूट्यूब एल्गोरिथम प्लीज सही इसको सपोर्ट नहीं करता है वीडियो को। तो फिर एक पार्ट और रखते हैं पुष्पा का, जिसमें हम लोग बताएंगे पुष्पा द राइज जो मूवी थी वो कितनी सक्सेस हुई, और जो कि इतने रेजिस्टेंस आने के बावजूद भी वो कमाल का बिजनेस किया था। तो फिर उसके लिए वेट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं उस वीडियो में। सो बाय।